कान्हा सेवा संस्थान के तत्वावधान में मंगलवार को शालिग्राम तुलसी विवाह का आयोजन किया गया। इस मौके पर भगवान शालिग्राम की भव्य बारात निकाली गई। मदन मोहन मंदिर आर्यनगर से निकली बारात में नाचते गाते भक्त विवाह स्थल हजारीपुर पहुंचे। यहां धूमधाम से शालिग्राम तुलसी का विवाह संपन्न हुआ। इससे पहले जगह जगह लोगों ने बारात का स्वागत किया। कान्हा सेवा संस्थान के प्रबंधक अनुपम कुमार ने बताया कि भगवान शालिग्राम और माता तुलसी के विवाह का आयोजन विगत 15 वर्षों से किया जा रहा है। शहर के अलावा दूर दराज से लोग भी इसमें शामिल होने आते हैं। इस मौके पर किन्नर समाज की महामंडलेश्वर कनेगिरी संस्था के अध्यक्ष मीरा पांडे, प्रबंधक अनुपम कुमार, प्रसून गुप्ता, अरविंद मिश्र, तेज प्रताप सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। गौरतलब है कि प्रवेदिनी एकादशी पर तुलसी विवाह कराने की परंपरा है। तुलसी के पौधे का श्रृंगार दुल्हन की तरह किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि तुलसी विवाह करवाने से भक्तों को भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। कहा जाता है कि तुलसी विवाह कराने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। मान्यता है कि तुलसी पौधा पूर्व जन्म में एक लड़की थी, उसका नाम वृंदा था। राक्षस कुल में उसका जन्म हुआ था। बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्त थी, बड़े ही प्रेम से भगवान की सेवा पूजा करती थी। जब वह बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल में दानवराज जलंधर से हो गया। वृंदा बड़ी ही पवित्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा करती थी। एक बार देवताओं व दानवों में युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी। जब तक आप वापस नहीं आ जाते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चले गए, वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उनके व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को ना जीत सके। सारे देवता जब हारने लगे तो विष्णु के पास गए। सबने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान कहने लगे कि वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता। उसी समय से तुलसी विवाह की परंपरा शुरू हुई और आज तक चली आ रही है। Yeah.